हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इस फटाफट से बनने वाले नाश्ते को बनाने के लिए मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं। आलूओं का हम छिलका उतार लेंगे। जब कभी आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए, आपको समझ में ना आए नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो इस नाश्ते को आप बहुत ही जल्दी फटाफट बना सकते हैं। तो आलू को छीलकर हम पानी में रखेंगे। तो एक बाउल में मैंने पानी रखा है, उसमें हम आलू को रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरा आलू भी छील लेंगे और इसे भी पानी में रख देंगे। आलू को जब भी छीले तो पानी में ही रखें, जिससे आलू काले नहीं पड़ेंगे। तो इसे भी मैंने छील लिया है, इसे भी हम पानी में रख देंगे। आलूओं का ये छिलका हम हटा देंगे और जो ये आलू है इन्हें हम ग्रेट करेंगे। तो मैंने ग्रेट करने के लिए बड़े वाले ग्रेटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो बारीक ग्रेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों आलूओं को मैंने ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। आलूओं को मैंने पानी में ही ग्रेट किया है, जिससे ये काले नहीं पड़ेंगे और इसका जो भी स्टार्च है वो सब निकल जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। तो ग्रेट किए हुए आलूओं का मैंने पानी निकाल दिया है। अब मैंने एक दूसरा बाउल लिया है, इसमें हम आलू के लच्छे रखते जाएंगे और इसी तरह से हम सारे लच्छे को निकाल लेंगे। तो सारे आलूओं के लच्छे को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच डाल देंगे जीरा, स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन की कलियां ली है और इसे ग्रेट कर लिया है। तो इसे भी हम बाउल में ही डाल देंगे। 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। अब इसमें हम 1/4 कप बेसन डालेंगे। बेसन की जगह पे आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ज़रूरत होगी तो ही हम पानी डालेंगे, वरना हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर होता है तो आलू भी पानी छोड़ेगा। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मुझे थोड़े से पानी की ज़रूरत लग रही है, तो बस 1 से 2 चम्मच ही हम इसमें पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण को हमें पतला नहीं रखना है, इसी तरह से हमें ये मिश्रण चाहिए। तो ये मिश्रण रेडी हो गया है। तो अब हम गैस की ओर चलते हैं। तो गैस पर मैंने एक तवा रखा है, तवे को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। ये नाश्ता हम बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाकर देखें, बहुत ही जल्दी और कम तेल में बनने वाला है ये नाश्ता। तवे को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हमने जो बैटर रेडी किया है उसे हम तवे पर फैलाएंगे। तो 1 चम्मच के समथिंग मैंने बैटर लिया है। तो इसे हम इस तरह से छोटी छोटी टिकियाँ बना लेंगे। आपने देखा होगा कितनी जल्दी ये नाश्ता बन रहा है। तो इसी तरह से हम फटाफट ये नाश्ता बना लेंगे। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे और जल्दी से कुछ खाने का मन करे तो आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई करें। आप इसे सुबह शाम कभी भी बना सकते हैं मेहमानों के आने पर,
इसे आप जल्दी फटाफट बनाकर उन्हें खिला सकते हैं। तो मैंने एक ही तवे पर कितने सारी टिकियाएं बना ली है, आप चाहें तो इस शेप को बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेंगे और इन टिकियाओं को हम पलट देंगे। तो देखिए एक साइड से ये पक गई है, अब इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इन्हें पका लेंगे। तो मैंने सभी टिकियाओं को पलट लिया है, अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे और 2 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा लेंगे, इन टिकियाओं को पलट कर देखेंगे। तो देखिए दूसरी साइड से भी टिकिया पक चुकी है। तो सारी टिकियाओं को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आलू का ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, इसे आप गर्मा गर्म अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी? फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार और इजी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।